दोस्तों, तो यदि आप भी शिवानी कुमारी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के लाइव फीड में हमें देखने को मिल रहा है जहां पर भाई दीपक सोरेशिया शिवानी कुमारी को समझा रहे कि तू अभी ज्यादा बोलने लग गई है, तुझे पता नहीं है तेरा कौन छगा है और तेरा कौन पीठ पीछे दोस्तों चुगली करता है। उसके बाद शिवानी कहते हैं, मुझे भैया सब पता है, आप सोच रहे हो कि शिवानी छोटी है, इसको कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कौन मेरे पीठ पीछे कहता है। एक तो अरमान भाई है जो सबके साथ पीछे जाते हैं और कहते हैं कि शिवानी ऐसी है ऐसी है। तो उसके बाद दीपक सोरेशिया कहते हैं, तुझे पता है तो क्यों उनसे तू पंगा लेती है, तुझे बाद में नॉमिनेशन में डालेंगे और यदि कोई बाद में ऐसा टास्क हुआ बाहर वाले का तो तुझे बाहर निकाल देंगे, इसलिए सब सेफ बना कर रखा और जो दोस्त है उनके साथ ही मस्ती मजाक किया कर, क्योंकि तेरी थोड़ी आवाज़ ऐसी है तो कुछ बोल देती है और बाद में लोग नाराज हो जाते हैं। जी इस तरीके की बातें बिग बॉस के लाइव फीड में हमें देखने को मिल रही है जहाँ पर पहले दीपक सोरेशिया कहते हैं कि तू ज़्यादा बोलती है, कुछ लोगों को इरीटेट लगती है, लेकिन मैं नहीं कहता, मुझे नहीं लगती क्योंकि मैं गांव से आया हुआ हूँ और मैंने गांव के दोस्तों भाषा देखी है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको तेरी भाषा से दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए तुझे जिससे दोस्ती है और तुझे लगता है कि वो तुझे कभी भी दोस्तों धोखा नहीं देगा तो उससे भी दोस्तों तू बात कर, बाकी किसी से ज़्यादा इस तरीके का मेल मिलाप करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप भी दोस्तों क्या दीपक सोरेशिया की बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताएं।